भाई मेरे पास ना काफी ऐसी क्वेरीज आती है कि भैया लैपटॉप चाहिए हाई परफॉर्मेंस लेकिन होना थिन एंड लाइट चाहिए, मतलब गेमिंग लैपटॉप हमें चाहिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बल्कि भारी और बैटरी बैकअप होता नहीं है उनके अंदर। तो क्या ये चीज थिन एंड लाइट में पॉसिबल है? लेनोवो कहता है भाई पॉसिबल। अभी रिसेंटली हमने योगा स्लिम 6 भी रिव्यू किया था और भी कई सारे ऐसे लैपटॉप्स रिव्यू करे जो थिन एंड लाइट बट हाई परफॉर्मेंस है, काफी बैटरी सब बढ़िया एंड प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है जिनमें, ये भी उनमें से है। तो ये है अपना आइडियापैड स्लिम 5i योगा का छोटा भाई। तो जैसा इसका बॉक्स लेनोवो, तो एक निकलती है पावर कॉर्ड वही नॉर्मल प्लग वाली एंड एक आता अपना 65 वॉट्स का अडैप्टर टाइप सी वाला। ये अपने लैपटॉप को फास्ट चार्ज भी कर देता है और लैपटॉप किसी भी टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाता है। देन आता है भाई अपना लैपटॉप और यहाँ देख सकते हो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एकदम सिल्वर फिनिश में है, बिल्कुल प्लेन है ऊपर से, साइड में लेनोवो की ब्रांडिंग, नीचे भी हमारे वेंट्स दे रखे हैं एंड रबर ग्रिप वगैरह सारी चीज लगी हुई है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पर स्पीकर नहीं मिलते हैं, स्पीकर बताऊंगा कहाँ पर है। एंड एक हाथ से ओपन करना चाहो तो आराम से हो जाता है। तो ओवरऑल एक 14 इंच का लैपटॉप है, काफी ज्यादा लाइट वेट और प्रीमियम लगता है क्योंकि मेटल बिल्ड में पूरा फुल एल्युमिनियम चेसी है, तो हाथ में लेके बिल्कुल एकदम स्टर्डी लगता है भाई, फील बहुत बढ़िया आती है। एंड अगर तुम स्टूडेंट या ऑफिस पर्पस के लिए कोई लैपटॉप देख रहे थे ना अल्ट्रा बुक, तो बिल्कुल वैसा है एकदम। बाकी एग्जॉस्ट फैन की जगह हमें हिंज के पास दे रखी है पर इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एयर फ्लो नीचे की साइड ही होता है तो डिस्प्ले पर कोई हार्म नहीं आता। बाकी वेट है इसका कुछ 1.4 केजी के आसपास, बहुत लाइट वेट है भाई, एक हाथ से उठा गए बैट बॉल खेल लो इससे खेल मत लेना सच में। बाकी हिंज भी इसका काफी स्टेबल है और वॉबलिंग देख सकते हो बहुत ही कम है, तो कोई वॉबलिंग इशू भी नहीं लगेगा। एंड फ्लेक्स की बात करें तो मेटल बिल्ड है तो भाई अपर लिड में बहुत ही ना बराबर फ्लेक्स मिलता है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी नेग्लिजिबल है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। बाकी अंदर का डिजाइन देख सकते हो, लेफ्ट और राइट साइड पे अपनी ब्रांडिंग हो रखी है बढ़िया बढ़िया। एंड सेंटर में आता अपना टचपैड और टचपैड काफी ज्यादा बड़ा बड़ा लगेगा, एकदम आराम से हाथ पीटा जाता है, तो कोई भी जेस्चर वगैरह यूज करना कुछ भी करना हो सब आराम से कर सकते हो भाई। एंड अगर कोई भी क्लिक वगैरह करते हो तो फीडबैक भी बढ़िया आता है। लेनोवो के ज्यादातर लैपटॉप्स में टचपैड बहुत ही सही लगता है मेरे को, इनका बिल्कुल एकदम सॉफ्ट टच फीलिंग आती है। एंड लेफ्ट और राइट साइड पे हमें ग्रिल्स मिलती है तो स्पीकर हमें इन्हीं के अंदर मिलते हैं, जैसे मैकबुक में आते हैं ना बिल्कुल वैसे। तो ये अपवर्ड फायरिंग है और आवाज बिल्कुल ऊपर मुंह पे। देन आता है अपना कीबोर्ड और कीबोर्ड ये ग्रे फिनिश में आता है हमारे पास, तो कंट्रास्ट अच्छा बनता है बिल्कुल। एंड कीबोर्ड का फीडबैक भी बढ़िया है, व्हाइट कलर की बैकलाइट के साथ आता है, 2 लेवल की ब्राइटनेस के साथ और एक ऑटो मोड आता है इसमें, तो रूम की लाइटिंग और जहां भी सराउंडिंग की जो लाइटिंग वगैरह उसके हिसाब से अपने आप ये ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेगा कीबोर्ड की, ये भी एक अच्छा फीचर है। बाकी टाइपिंग वाइपिंग करते हो तो क्वालिटी बढ़िया है कीबोर्ड की, फीडबैक भी टेक्टाइल आता है एकदम, तो नोट्स वगैरह बनाते हो या प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो तो किसी भी चीज में टाइपिंग में दिक्कत नहीं आएगी। एंड 14 इंच का है तो उसका ये फायदा है कि बिल्कुल हैंडी फीलिंग आती है, जब भी टाइप वाइप करो दोनों हाथ एकदम सेट हो जाते हैं बढ़िया तरीके से। फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है एंड कीबोर्ड के ऊपर हमें मिलता है एक छोटा सा पावर बटन। बाकी इसमें हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता लेकिन फेस अनलॉक मिलता है आईआर स्कैनर के साथ, तो भाई इंफ्रारेड वाला है ये, कोई नकली वकली नहीं है, प्रॉपर स्कैनिंग करके खोलता है और काफी सही काम करता है, जब भी यूज करो ओपन कर देता है लैपटॉप। स्पेसिफिकेशन देखें, प्रोसेसर इसके अंदर i5-13420H 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ, 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स है इसमें, H सीरीज है तो भाई ये वही है जो गेमिंग लैपटॉप्स में हमें देखने को मिलता है। अभी हमने नाइट्रो V रिव्यू किया था उसके अंदर भी यही प्रोसेसर था, TDP थोड़ी वेरी कर सकती है बट प्रोसेसर तो यही था, तो बेसिकली परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी मिलने वाली है वो हम आगे देखेंगे। ग्राफिक्स है इसके अंदर इंटीग्रेटेड वाले i3 6000 ग्राफिक्स और रैम है इसमें 16GB की DDR5-5200 MHz वाली डुअल चैनल रैम, पर ये सोल्डर्ड रैम है, अपग्रेडेबल नहीं है बिल्कुल भी, जो दे दी वो दे दी, फाइनल है। 8GB लेना या 16GB लेना सोच समझ के लेना, 16GB लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। स्टोरेज इसके अंदर 1TB की Gen 4 SSD, रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो और Gen 4 के हिसाब से जो SSD की स्पीड है वो बिल्कुल बढ़िया मिलती है। और हाँ, SSD इसमें अपग्रेडेबल है पर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, मतलब अगर अपग्रेड इन फ्यूचर करना है ना तुम्हें तो इसी स्लॉट के अंदर से हटा के भाई 2TB तक मैक्सिमम सपोर्ट देता तो 2TB की लगा सकते हो। बाकी कनेक्शन बनाने के लिए Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.1। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 2 USB टाइप सी वाले पोर्ट 3.2 Gen 1 वाले, तो ये डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी 3.0 एंड DP 1.4 को सपोर्ट करते हैं, तो इनसे भाई साहब डिस्प्ले शेयर करो मस्त एकदम 4K 60 तक आराम से हो जाएगी, ज्यादा तक भी हो सकती है अगर हाई रिफ्रेश रेट का कोई मॉनिटर लगाते हो, क्योंकि DP 1.4 है। एक मिलता है HDMI 1.4B वाला पोर्ट और एक मिलता है हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। HDMI पोर्ट मेरे हिसाब से भाई 2.0 या 2.1 देना चाहिए था, क्या ही घट जाता भाई। बाकी राइट साइड पे 2 USB टाइप है 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट, जिसमें से एक है अपना पावर ऑफ चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, अगर इमरजेंसी में लैपटॉप से कोई पावर लेनी है ना तो लैपटॉप अगर बंद भी है तो भी चार्ज वार्ज कर सकते हो कोई भी अपने छोटे मोटे डिवाइसेस। और एक मिलता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। HDMI से डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं तो 1080p तक मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल रहा था और इंटीग्रेटेड GPU से मिलता है वो भी, और टाइप सी से 4K 60 तक
आउटपुट मिल जाता है आराम से दोनों ही टाइप सी पोर्ट से और ये भी IGPU से मिलता है। देन आते हैं अपनी डिस्प्ले और इस लैपटॉप में भाई 14 इंच WUSGA 1200p OLED ग्लॉसी डिस्प्ले, तो 1080p से थोड़ा सा बेटर रेजोल्यूशन है इसका और एस्पेक्ट रेशियो है 16:10 का एंड इसमें HDR भी सपोर्टेड है, 400 nits की पीक ब्राइटनेस है और 60Hz का रिफ्रेश रेट आता है इसमें एंड बेजल्स भी बहुत ही ज्यादा नैरो है इसकी, तो व्यूइंग एंगल वगैरह बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं इसके। पर हाँ, ग्लॉसी डिस्प्ले तो रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाती है, बाकी आउटडोर के हिसाब से भी ब्राइटनेस में कमी नहीं लगेगी, मतलब कंटेंट्स जो है ना डिस्प्ले में वो अच्छे से विजिबल होते हैं और TUV सर्टिफाइड लो ब्लू लाइट एमिशन है इसका। एंड कलर गैमेट की बात करें तो 100% DCI P3 125% sRGB से भी ज्यादा होता है, जो कि बहुत ही प्यारे कलर आते हैं डिस्प्ले के अंदर। यार कोई भी अगर तुम कंटेंट कंजम्पशन भी करते हो ना, मूवीज वगैरह देखना या कुछ भी करना, तुम्हें नॉर्मल एक लैपटॉप की जो आती है ना डिस्प्ले, उससे 10 गुना बेटर लगेगी इसकी डिस्प्ले। पूरी एकदम स्मार्टफोन वाली क्वालिटी आती है, थोड़ी बेटर ये लग सकती है उससे क्योंकि बड़ी बड़ी लगती है ना, तो कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। उसके अलावा कलर एक्यूरेसी वाले भी सारे काम इसमें आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा क्या ही कलर एक्यूरेट डिस्प्ले लोगे। पर हाँ, एक चीज तुम्हें फेस होगी कि जो चीज लैपटॉप में तगड़ी दिख रही है ना, वो और किसी डिवाइस में अगर देखोगे तो वो बेकार लग सकती है। मतलब इसकी डिस्प्ले ऐसे कि जैसे तुम मेरा चैनल देख रहे हो और तुम्हें 100K दिख रहा है, बढ़िया लगेगा ना। देन आता अपना वेब कैमरा और इसमें है 1080p वाला, जो कि अच्छी बात है। तो जैसे इसकी क्वालिटी, माइक भी इसी का यूज हो रहा है, अब देख लो भाई 1080p में कितना मजा आ रहा है। बाकी वाइड है इसका कैमरा काफी ज्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से IR की वजह से कर रखा होगा कि अगर मैं यहाँ भी देख रहा हूँ तो ये अनलॉक हो जाए। बाकी क्वालिटी तो बढ़िया लग रही है यार, कहना पड़ेगा। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, क्या दिक्कत है। और 2 वोल्ट के आउटपुट वाले 2 अप फायरिंग स्पीकर्स हैं, लेट्स लिसन। आवाज बढ़िया है यार, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी भी नहीं है, बट हाँ एवरेज से ऊपर मान के चलो, क्वालिटी अच्छी है, हल्की फुल्की बेस भी फील हो जाएगी, तो डिसेंट है स्पीकर्स। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्टेड है, तो डॉल्बी एक्सेस की ऐप मिलती है, उसके अंदर से कस्टमाइजेशन वगैरह करनी हो वो सब चीजें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके स्पीकर्स में भी सपोर्टेड है एंड अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो तो उसमें भी सपोर्ट आएगा। बेसिकली लैपटॉप में डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड है। और क्या चाहिए, बैटरी के अंदर हमारे पास है 3 सेल वाली 56.6 वाट आवर्स की बैटरी, काफी अजीब सा बैटरी फिगर है। बैकअप की बात करें, 6 से 7 घंटे का बैकअप दे देगी, उससे ज्यादा की उम्मीद कर भी सकते हो क्योंकि डिपेंड करता है ना यूसेज पे। मैंने तो बेसिक यूसेज पे बता दिया, बाकी अगर और लो ब्राइटनेस पे बैटरी सेवर ऑन करके कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके बिल्कुल ही हद से हद बेसिक काम करोगे तो इससे ज्यादा बैकअप भी आराम से निकाल सकते हो, केपेबल है लैपटॉप। मैंने एक आइडिया दे दिया तुम्हें। बाकी लेनोवो वेंटेज का इसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है हमें, परफॉर्मेंस मोड वगैरह सेट करने हो, बैटरी के बारे में जानकारी, वारंटी के बारे में जानकारी, लैपटॉप के बारे में जानकारी लेनी हो, अपडेट्स वगैरह करने हो, या मैसेज सेंटर के अंदर नोटिफिकेशन वगैरह देखने हो, या पावर ऑडियो डिस्प्ले कैमरा एडवांस सेटिंग्स परफॉर्मेंस बूस्ट में जाओगे तो यहाँ परफॉर्मेंस मोड आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, जैसे ही तुम यूज करोगे मस्त मस्त चीजें निकल के आएंगी, तो सॉफ्टवेयर बहुत सही है इसका। अब आती है अपनी मेन बात परफॉर्मेंस वाली। तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, सिनेबेंच R23 का स्कोर देख सकते हो, गीकबेंच 6 में हमें ये स्कोर मिला था, PC मार्क 10 में ये स्कोर आता है और 3D मार्क टाइम्स पे भी मैंने कर दिया, करना नहीं चाहिए वैसे, अच्छा नहीं लगता कि बिना ग्राफिक कार्ड के टेस्ट कर रहा हूं, पर कर दिया मैंने, स्कोर देख लो। तो इससे ये पता चलता है प्रोसेसर बढ़िया है भाई, कमी नहीं मिलेगी, मतलब लास्ट जनरेशन के i5 12500H से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट उसके जैसी ही है परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोसेसर ताकतवर है भाई, और जो 13 जनरेशन में 13500H वाला i5 है उससे थोड़ी सी कम है इसकी परफॉर्मेंस, एंड इस प्राइस में जो अपना मैकबुक एयर M1 आता है तो उसके कंपेयर में देख सकते हो कि उसके जैसी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस इसकी है, मतलब प्रोसेसर भाई ऐसा है कि टॉप नॉच प्रोसेसर से कंपेयर कर लो हिला डालेगा। बाकी नहीं समझ आ रहा तो प्रैक्टिकली बताता हूं, स्टूडेंट वाइज तुम इसमें कोई भी काम बहुत ही आराम से कर सकते हो भाई, एक्सेल शीट मेंटेन करना हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, मीटिंग करनी हो, ब्राउजिंग करनी हो, कंटेंट कंजम्पशन, भाई सब हर चीज एकदम तगड़ी हो जाएगी। कॉलेज रिलेटेड तो कुछ भी कर सकते हो, बाकी अगर तुम्हारा ग्राफिक ओरिएंटेड काम रहता है तो वो मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा फिर, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, हल्की फुल्की अगर करनी चाहो क्योंकि थोड़ा बहुत कैपेबल तो ये है, पर बहुत ज्यादा तुम हैवी टास्क इसमें नहीं चला पाओगे। तो गेमिंग लैपटॉप लो सीधा, मैंने बहुत सारे रिव्यू कर रखे, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना बाद में। बाकी प्रोडक्टिविटी अगर करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग वगैरह, तो वो आराम से तुम फोटोशॉप में हाई एंड कैसी भी कर सकते हो, बट वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 1080p हाई लेवल सपोर्टेड है आराम से। प्रीमियर प्रो पे मैंने इसको टेस्ट किया, 4K 60 भी आराम से एडिट हो रही थी, तो 4K लेवल की एडिटिंग ये करवा देगा बहुत ही आराम से, YouTube लेवल तक तो करा ही देगा, बट उससे ज्यादा एनिमेशन वगैरह के अंदर जाना है, देन यार मैं ये कहूंगा कि ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लो, फिर रेंडरिंग वगैरह होती है बाद में, फिर
इश्यूज नहीं आएंगे। एंड सबसे बढ़िया बात यह कि बैटरी पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है ये लैपटॉप। मतलब जरूरी नहीं है कि चार्जर लगाओगे तो ही बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस बैटरी पर भी मिल जाएगी। अब कुछ लोगों को ना भाई ये सब चीजों के साथ साथ ना गेमिंग भी करनी है, उनको चाहिए कि भाई थिन एंड लाइट में हमारी गेमिंग भी हो जाए, और कुछ नहीं तो भाई GTA 5 चल जाए। तो आइडिया के लिए मैंने कुछ 2-4 गेम इसमें टेस्ट करे, एक बार नजर डाल लो उस पर भी पता चल जाएगा। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया लो प्रीसेट पे और 1200p रेजोल्यूशन पे किया था। तो इसके अंदर हमें 60-70 FPS के आसपास मिल रहे थे, 40 watts तक अपना CPU पुश कर रहा था। और यही एच सीरीज के फायदे हैं भाई, अपने पुश पूरा करता है CPU जितना उसकी ताकत है। कभी कभी 80 FPS तक भी टच हो रहे थे, जो कि बहुत ही सही है। प्लस यहाँ पर हमें 16GB रैम मिल रही है, इसका भी थोड़ा फायदा हमें मिलेगा। और डुअल चैनल है तो FPS ठीक ठाक मिल जाते हैं, मतलब कैजुअली अगर तुम्हें गेमिंग करनी है ना तो वो हो जाएगी। देन वैलोरेंट टेस्ट किया 1200p पे हाई प्रीसेट पर, और 1200p होने के बाद भी हमारे पास अच्छे खास FPS आ रहे भाई, 160-180 तक FPS जा रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा सही परफॉर्मेंस आ रही है वैलोरेंट के अंदर, और CPU ओरिएंटेड है, CPU अपना है ही तकड़ा, तो परफॉर्मेंस तो मिलनी है। 40 वॉट्स तक इसमें भी पुश हो रहा है आराम से। टेम्परेचर इसके अंदर भी 80 डिग्री से थोड़े ज्यादा थे, जबकि अभी सर्दियों के अंदर इतने ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, तो मतलब यूं है कि गर्मियों में अगर तुम गेमिंग करोगे तो और ज्यादा हीट हो सकता है। देन GTA 5 टेस्ट किया नॉर्मल प्रीसेट पर, और ये 1080p टेस्ट किया था हमने। तो इसके अंदर हमें 50-60 के आसपास FPS मिल रहे थे, जो कि ठीक ठाक कहूंगा मैं। और ट्रिपल ए टाइटल के हिसाब से इतने मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से। और OLED के अंदर गेमिंग का यार अलग ही मजा आता है, वैसे कुछ भी कहो। प्रॉपर ई-स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, बट हां कैजुअली गेम खेलते हो तो एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो कुछ 72-73,000 का इसका प्राइस चल रहा है, और इस प्राइस में भाई MacBook Air M1 आ जाता है, या फिर Intel Evo वाले भी काफी सारे लैपटॉप्स आ जाते हैं थिन एंड लाइट्स में, इवन OLED वाले भी काफी लैपटॉप अवेलेबल हैं, हमने रिव्यू भी बहुत सारे कर रखे हैं। मैं यही कहूंगा अगर विंडोज ही लेना है, MacBook की तरफ नहीं जाना, तो फिर Intel Evo वाले ज्यादा प्रेफर करो अगर तुम्हें इससे बेटर डील मिल जाती है, क्योंकि यार उनमें देखो बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, और भी भाई 3-4 फीचर अच्छे मिल जाते हैं, वो मैं हर वीडियो में बताता ही रहता हूं। बाकी अगर ऐसा है कि तुम्हें कोई Intel Evo वाला ऐसा लैपटॉप नहीं मिल रहा जिसमें OLED हो, या फिर जो फीचर ये दे रहा है वो सब उसमें नहीं मिल रहे, देन तुम इसकी तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि अच्छा लैपटॉप है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 13 जनरेशन में एच सीरीज के हिसाब से अगर एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला एक हल्का फुल्का थिन एंड लाइट लैपटॉप प्रेफर करना चाहते हो तो तुम इसकी तरफ जा सकते हो डेफिनेटली। भाई मेरे को कोई कमी लगी नहीं है सच इसमें, मतलब जो मैं बताऊं, जो लगी वो मैं बता ही चुका वीडियो में, साथ साथ ही बता देता हूं मैं, तभी कहता हूं पूरा देखा करो। तो सोच समझ के भाई आराम से डिसीजन बनाना, अगर ऐसे 4-5 घंटे फालतू बैटरी बैकअप वगैरह नहीं चाहिए और ये अच्छी डील पे मिल रहा है तो फिर तुम इसकी तरफ जा सकते हो, कोई कमी नहीं मिलेगी इसमें। तो होपफुली अब तुम्हारे साइड आउट क्लियर हो गए होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, खरीदना चाहो तो वहां खरीद सकते हो, मजा आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।